आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आप कहेंगे सर बैलेंसिंग क्यों करा रहे हैं, तो बहुत ही आसान टॉपिक है और हम लोग इजीली बैलेंस कर लेते हैं। यार जो तुम बैलेंसिंग करते हो ना आसान इक्वेशन की कर पाती हो, हल्की सी इक्वेशन थोड़ा टफ होती है आपसे बैलेंसिंग नहीं हो पाती। और जो आसान इक्वेशन की भी आप कर पाते हो ना उसमें आप बहुत टाइम ले लेते हो। भाई अब क्या फ़ायदा कि अगर मैं दो रिएक्शन 10 मिनट में लगा रहा हूँ तो पेपर का टाइम तो निकल जाएगा और क्वेश्चनों को टाइम कहाँ से मिलेगा। इसलिए इक्वेशन की बैलेंसिंग फास्ट करने के लिए देखते ही आंसर निकल जाए इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी। देखो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई डू वी नीड बैलेंसिंग। यार बैलेंसिंग करना क्या होता है, एक रिएक्शन देखो मैंने लिखा N2+H2 gives NH3, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ते हैं यार बैलेंसिंग करनी होती है, पर क्यों देखो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म। ना मास को बना सकते ना खत्म कर सकते, पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इन शॉर्ट ये कहता है कि LHS पे जो रिएक्टेंट का मास होगा, LHS पे जो रिएक्टेंट का मास होगा वो RHS के प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बात देखो जरा, यहां देखना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, कितने हैं दो, तो 14 टू जा 28। हाइड्रोजन का होता है 1 × 2, तो कितना आ गया 2, ये आ गया 28 और ये आ गया बच्चे 2, दोनों मिला के लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया 30, हाँ कि ना। राइट हैंड साइड पे देखना नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 3 कितना है 17। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? आपको साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ पा रही, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वायलेट हो गया। अब भाई कोई कानून बनाया तो इसका पालन तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है। अच्छा जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसे क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल, स्केलेटन नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन है अ रिएक्शन दैट इज नॉट बैलेंस। कई बार अगर आपसे पूछे कि स्केलेटल इक्वेशन, आपने कहा जिस रिएक्शन में इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है। देखो मैंने आपके सामने चार रिएक्शन लिख दी और अब आपको चारों को बैलेंस करना है। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं पर उससे थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब अगर एक रिएक्शन में कहीं पे भी अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर जैसे मेटल कौन से होते हैं भाई, सोडियम मान लो, मैग्नीशियम आया, ये तो पता होगा ना मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ। नॉन मेटल आप मान लो ऑक्सीजन मान लो भाई, फॉस्फोरस मान लो, नाइट्रोजन मान लो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। इतना करने के बाद भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो वापस आपने पहले यहाँ तक जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर दोबारा से स्टेप पर चले जाएंगे, फिर इस पर। देखो मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो इस रिएक्शन में मेटल कौन सा है। आपने कहा सर इसमें तो एक भी मेटल नहीं दिख रहा मुझे, कोई बात नहीं। फिर आपने कहा नॉन मेटल, नॉन मेटल है क्या, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन के दो हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं, एक। अब कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, बेटा कभी भी ऐसे करके दो नहीं लगाना, हमेशा आगे ही आएगा, कुछ मर्जी हो जाए रिएक्शन के आगे ही लगता है, कभी ऐसे दो मत कर देना, बराबर हो गए, बात समझ आ गई। आपने का आगे लगाया दो, लगा दिया भाई दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन दो, यहाँ पे नाइट्रोजन दो, ठीक है। फिर आपने बोला नॉन मेटल बैलेंस तो हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, आपने कहा तो ऑक्सीजन तो कहीं है नहीं, मैंने कोई बात नहीं। फिर आपने कहा यार हाइड्रोजन पे चलते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने बेटा, तीन इसके, और जो टू होता है ना ये नाइट्रोजन से और उससे भी, 2, 3 = 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पे भी 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं, देखो नाइट्रोजन के दो आ गए, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन, तो पहली रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। नेक्स्ट है C+O2 gives CO2, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने कहा सबसे पहले मेटल, आपने कहा सर मेटल तो है ही नहीं कोई, कोई बात नहीं भाई। फिर आपने कहा नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल है, बिल्कुल भाई कार्बन नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो आपने कहा कार्बन देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो भाई नहीं बैलेंस है। उसके बाद आपने कहा ऑक्सीजन पे चलें,
यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और मैंने कहा था आगे लगा नहीं सकते, तो बेटा कहाँ लगाएंगे, दो। बात समझ आ गई, ऑक्सीजन कितने हो गए दो। क्या हाइड्रोजन है, आपने कहा नहीं। पर एक बात देखो कि जब आपने यहाँ पे दो लगाए तो अब मेरे कार्बन कितने हो गए दो और यहाँ पे एक। अब दोबारा इसी स्टेप पे चलो, देखो यहाँ तक तो हो गया, फिर दोबारा मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, कार्बन था, यहाँ कितने हो गए दो, यहाँ भी दो लगा दोगे। आया समझ किस तरह से बैलेंसिंग करनी है। देखो यहाँ पे भी दो कार्बन, यहाँ भी दो, यहाँ ऑक्सीजन दो। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। H2+O2 की H2, ना मेटल है, नॉन मेटल है, या नॉन मेटल में ना ऑक्सीजन हटा के बेटा यहाँ पे नॉन मेटल मत ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन बाद में आएगा। आपने कहा नॉट मेटल नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन कितना है भाई यहाँ पे, दो, यहाँ पे कितना है एक, तो दो लगा लूँ, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, चार, और यहाँ पे दो, तो दो। बात समझ, देखो कितनी जल्दी बैलेंसिंग हो रही है ना। नेक्स्ट देखो, कार्बन मेटल है नहीं, नॉन मेटल है कार्बन, ठीक है। कार्बन कितने यहाँ पे, एक एक। फिर आता है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, दो, और एक तीन, यहाँ पे है दो। एक काम करूँ मैं, क्या अगर मैं यहाँ पे दो लगा लूँ, देखो तो मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, दो और दो चार, और यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो लगा दो, चारों चार हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, चार, यहाँ पे कितने हैं, चार, तो रिएक्शन मेरी बैलेंस। नेक्स्ट पे चलें, Zn+AgNO3 gives Zn+O3+Ag। अब आपको पता लग गया ना क्या क्या करना है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कई बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है। हाँ भाई, पर ऑक्सीजन को नहीं लेना ना, ऑक्सीजन के अलावा जो जो नॉन मेटल पहले वो बैलेंस होंगे। फिर देखो, अब इसमें देखो, सबसे पहले मेटल आइडेंटिफाई करना। आपने कहा जिंक भी होता है, सिल्वर भी होता है, सिल्वर तो बैलेंस है एक ही, ठीक है। यहाँ पे देखो जिंक भी बैलेंस है एक एक, ठीक है। हाँ, अब नॉन मेटल पे चलते हैं। नॉन मेटल आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, एक, और यहाँ पे देखो दो है। जब ये ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है ना ऐसे, तो ये एन इससे ही मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन इससे भी, तो नाइट्रोजन कितने हो गए दो, यहाँ पे कितने एक, तो आप आगे लगा दो, ठीक है। आपने कहा नो ऑक्सीजन, फिर आप चलते हैं नॉन मेटल बैलेंस, ठीक है। फिर चलते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए छः, यहाँ पे कितने हैं छः, भाई तीन तो ये रहे और 3 × 2 = 6, ठीक है। आपने कहा हाइड्रोजन, आपने कहा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। अब आप चेक कर लो एक बारी सबको, क्या मेटल मेरा जिंक बैलेंस है, बैलेंस है। यहाँ पे देखो ए जी कितना हो गया मेरा, अब दोबारा चलेंगे ना यहाँ से, दोबारा चलो ऊपर, ए जी कितना हो गया यहाँ पे दो, यहाँ पे कितना एक, तो लगा दो मेरे भाई इस पे टू। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट चलो, NaOH+H2Na2SO4+H2। मेटल कौन सा है, सोडियम, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, आपने कहा लगा दो उस पे भी दो, ठीक है। आपने कहा नॉन मेटल, क्या यहाँ पे कोई नॉन मेटल है ऑक्सीजन के अलावा, आपने कहा सल्फर है, सल्फर एक, सल्फर एक बैलेंस है। आपने कहा फिर चलते हैं ऑक्सीजन पे, अब यहाँ गिनो ऑक्सीजन कितने, चार, एक पाँच, चार और दो छः, भाई यहाँ पे छः हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं पाँच, तो एक काम करूँ टू लगा दूँ। अब देखो ना यहाँ पे भी ऑक्सीजन चार और दो छः, चार और दो छः। हाइड्रोजन पे चलते हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे दो, यहाँ पे कितने हैं चार, नहीं हाँ यहाँ भी देखो चार है, देखो दो ये रे और ये दो इसके भी तो है, ये भाई टू से दोनों से मतलब ना टू, ये देखो तो यहाँ भी चार है, तो ये पूरी एक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट है BaCl2+H2SO4। सबसे पहले मेटल चेक करा, बैरियम बैलेंस है। नॉन मेटल कोई है क्या ऑक्सीजन के अलावा, आपने कहा सर दो है, एक सल्फर एक क्लोरीन है, ठीक है, किसी को भी देख सकते हैं। क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं दो, यहाँ पे कितने एक, तो इसको भाई दो कर दो, ठीक है, क्लोरीन बैलेंस, ठीक है। दूसरा नॉन मेटल कौन सा है, आपने कहा सर सल्फर, सल्फर तो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। फिर आपने कहा ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है। फिर आपने कहा हाइड्रोजन पे चलते हैं, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे दो है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, बैरियम एक, बैरियम एक, सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, सीएल के दो, सीएल के दो, हाइड्रोजन दो। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है Mg3N2+H2O की भी आना। सबसे पहले मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम ही मेटल है भाई, मैग्नीशियम के यहाँ पे तीन है, यहाँ पे कितने हैं एक, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दिया। फिर आपने बोला कि नॉन मेटल, नॉन मेटल है नाइट्रोजन, भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं देखो दो, और यहाँ पे कितने हैं एक, तो भाई दो से मल्टीप्लाई कर दूँ, बराबर कर दिया, ठीक है। फिर आप चलते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन अब ध्यान से समझो कितने हो गए भाई, एक तो दो तो ये हो गए, ठीक है, टू, और तीन से मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6,
यहाँ पे कितने हैं, एक, तो छः से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे बोलो भाई। यार ये ऑक्सीजन दो गए और टू थ्री जा पूरे से मल्टीप्लाई होते हैं थ्री सब से, तो थ्री टू जा सिक्स हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे छः हो गए। हाइड्रोजन देखना, यहाँ पे अब बारह और यहाँ पे मेरे भाई छः, नहीं यहाँ भी बारह है ना, देखो दो हाइड्रोजन ले रहे, थ्री टू जा सिक्स और सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, ये बराबर है। अब चेक कर लेते हैं देखो कोई बराबर रहा है कि नहीं सारे। मैग्नीशियम तीन, मैग्नीशियम तीन, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन बारह, हाइड्रोजन छः और छः बारह, ठीक है। ऑक्सीजन छः है ना, यहाँ पे भी देखो तीन दो नीचे बैलेंस हो गया है ना। नेक्स्ट पे CuO प्लस NH3, मेटल कॉपर है, कॉपर बैलेंस है, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ भी एक। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ कितने हो गए छः, यहाँ पे कितने बचे दो, तो इसको कर दो तीन से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए ना, अब देखो सारे स्टार्टिंग चलते हैं। मेटल क्या है, एक, नॉन मेटल क्या है, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो तीन हो गए यहाँ पे ना, ठीक है कोई बात नहीं, और हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे बैलेंस। अब दोबारा यहाँ से चलेंगे, मेटल को बैलेंस करना है, नॉन मेटल क्या बैलेंस है, नॉन मेटल क्या था, नाइट्रोजन बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है मेरा भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए तीन और यहाँ पे कितना है एक, तो कर दो तीन से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करना, हाइड्रोजन तो अभी भी सेम ही है भाई, दोबारा चलो उस पर, मेटल क्या है तीन, यहाँ पे कितना हो गया तीन, तो इसको भी तीन से, जब तक बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक बैलेंस, मेटल नॉन मेटल यहाँ पे अगर पूरा हो गया फिर दोबारा चलो अगर कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है Fe प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, Fe कितने है? मेटल है ना, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है, तो तीन से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। नॉन मेटल है कोई ऑक्सीजन के अलावा, आपने कहा नहीं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे चार और यहाँ पे एक, तो कर दो भाई चार से मल्टीप्लाई, हो गया बराबर, ठीक है। हाइड फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे आठ, यहाँ पे दो, तो चार से मल्टीप्लाई, तो ये हो गए हमारी चार सारी की सारी रिएक्शन। मैंने आपको 10 रिएक्शन बैलेंस करके बताई कि किस तरह से आपको रिएक्शन करें, फिर भी आपको कोई समझ नहीं आया तो आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के।